करते हैं जब हमें प्लस करना होता है, और काउंट नंबर फॉर्मूले का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कई सारे नंबरों को काउंट करना होता है, प्लस नहीं काउंट। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेल टाइप करते हैं, फिर उसके बाद में फॉर्मूला यहाँ पे हम टाइप करेंगे। अभी हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, काउंट नंबर का, तो यहाँ पे हमें काउंट नंबर को टाइप करना है। काउंट भी आप टाइप कर सकती हो, और उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट, सभी नंबरों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, तो ये देखो कितने नंबर हैं, आंसर में आ रहा है 5, यानी कि ये जो भी नंबर दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनको हमें काउंट करके बता रहे हैं, ना कि प्लस करके। फिर अगला दिया गया है मैक्सिमम। मैक्सिमम फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे इक्वल टाइप करना है, और फिर मैक्स टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर आ रहा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि हमें सभी नंबरों को सिलेक्ट करना है। तो या तो एक एक करके सिलेक्ट करो, या फिर सभी नंबरों को हम साथ में सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर। जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू का पता करना होता है वहाँ पे हम मैक्सिमम फार्मूले का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगा मिनिमम फार्मूला, MIN। इससे क्या होता है कि सभी नंबरों में जो सबसे कम है वो निकल करके आता है। सेम इसका भी वैसे ही हम अप्लाई करते हैं जैसे कि यहाँ पे हमने टाइप किया इक्वल। सभी में एक चीज़ कॉमन होती है, मतलब हर फार्मूले में हमें सबसे पहले इक्वल टाइप करना होता है, फिर उसके बाद में हम जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं उसे टाइप करना होता है। यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, मिनिमम, क्योंकि हमें कम से कम नंबर निकालना है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे मिनिमम फार्मूला अप्लाई करेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे हम सभी नंबरों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो सबसे कम नंबर इनमें कौन सा था, 600, तो यहाँ पर 600 निकल करके आ जाएगा। सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम,